भैया हो अभी से टाइम बा पढ़ा तरह तो मन लगा के पढ़ा ना तो देख लो बाहर अला के नतीजा ठेकेदार सर्वत सो दोस्तों मैं रेडी हो चुका हूँ यूट्यूब क्रिएटर कलेक्टिव पटना मीटअप में जाने के लिए। जो हमारे पास एड्रेस आए हैं उस पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ कौन कौन क्रिएटर आ रहे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, और यूट्यूब का इवेंट किस प्रकार का है, आइए देखते हैं। दोस्तों आप यहाँ देखिए मेरा वस्त्र इस प्रकार का है, आप देख सकते हैं, और मैं अभी निकल रहा हूँ अपने कार से। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह चलेंगे और वहाँ पर जो होटल है इवेंट जहाँ होने वाले वो कैसा है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों हम सभी चल रहे हैं वहाँ जहाँ यूट्यूब ने बुलाया है, दरवाल बिहार होटल पटना एम्स रोड में पड़ता है, हमें एड्रेस मिला था वहीं पहुँच रहे। वहाँ दिखाते हैं, चार बंदे हैं, ये सोहेल है, उधर खुर्शीद और ये चांद है और मैं हूँ, चलिए दिखाते हैं। और ये दिग्गा ब्रिज है, ये ब्रिज का खासियत है कि इस ब्रिज के नीचे में ट्रेन चलती है और इसी ब्रिज पर और ऊपर में कार वगैरह बाइक वगैरह है, तो चलिए दिखाते हैं, देखते रहिए। तो सुबह में इस रोड पर ट्रैफिक जाम हमें नहीं मिले जिसकी वजह से हमने जल्दी से द रॉयल बिहार होटल पर पहुंच गया। आप यहां देखिए द रॉयल बिहार होटल है और हमने यहां पर प्रस्थान 9:20 पर कर लिया है। तो दोस्तों हम सभी पहुंच गए हैं द रॉयल बिहार होटल, देखिए चार बंदे हैं और इसी होटल में इवेंट है, यूट्यूब का मीटअप है। जैसे एंट्री होता है हम एंट्री के बाद सभी चीज़ें दिखाते हैं क्या क्या हो रहे हैं, देखते रहिए। सुबह का 10 बजने वाले थे तो हमने गार्ड से पता किया इवेंट एंट्री चालू है, तो उन्होंने बोला हाँ, तो हमने लिफ्ट की मदद से फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गया। सो दोस्तों जिस फ्लोर पर मीटअप होने वाले हैं उस फ्लोर पर हमने पहुंच गया हूँ और यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं। सो दोस्तों यूट्यूब क्रिएटर कलेक्टिव में हमें एक सबसे बड़े बिहार का यूट्यूबर मिले हैं जिनका 50 मिलियन सब्सक्राइबर है यूट्यूब पर। चैनल का नाम क्या है सर? गेमिंग चैनल है। गेमिंग चैनल है। अच्छा एक्सपेरिमेंट ऐप का ही है, कोई इशू नहीं है सर का जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी लोग हैं कई सारे, अब सबसे हम तो मुलाकात नहीं कर पाएंगे बट कुछ यूनिक लोगों से बात करेंगे क्योंकि थोड़ा सा फनी भी वीडियो में होनी चाहिए। दोस्तों आप यूट्यूब पर इनको देख रहे होंगे, थोड़ा सा फनी मजदूर वाले वीडियो बनाते हैं, तो इनसे मिल रहे हैं, इनका नाम बताइए सर, क्या नाम? गोलू कॉमेडियन है। कोई नहीं सर, और क्या हाल है, यहाँ पर आए यूट्यूब क्रिएटर लग रही है, कैसा लग रहा है? पहली बार तो मैं भी आया हूँ लेकिन आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप मजदूर के लिए वीडियो बनाते हैं, फनी वीडियो रहता है उसमें मैं भी देखता हूँ। कोई नहीं और भी सुन लें इनसे, थोड़ा आप कॉमेडियन बात करिए। डायलॉग था जो था भैया हो अभी से टाइम बा पढ़ा तरह तो मन लगा के पढ़ा ना तो देख लो बाहर अला के नतीजा ठेकेदार सर्वत। इनसे बात करने के बाद जैसे हमको पता चला एंट्री चालू है तो हमने भी एंट्री ले लिया है। देखिए यूट्यूब क्रिएटर कलेक्टिव का एक पट्टी मेरे हाथ में लगा हुआ है। एंट्री के बाद हमने यहाँ देखा कि डेकोरेट इन्होंने बहुत ही बढ़िया किया हुआ है यूट्यूब इवेंट के लिए और यहाँ लंबी कतार लग चुकी थी क्योंकि हमने पहले ही एंट्री कर लिया था और सभी लोग बाद में आ रहे हैं। जब तक सभी का एंट्री हो तब तक मैं यहाँ पर कुछ वीडियो बना लेता हूँ। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा सभी लोग अपना अपना वीडियो शूट कर रहा है। दोस्तों चैनल का नाम क्या है सर? देख सकते हैं मेरे चैनल का नाम क्या है? दिख नहीं रहा था, बता दीजिए। M12NGK और मेरा नाम राजा कनौजिया है, इस नाम से भी सर्च कीजिएगा आ जाएगा जी। चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ मीटअप जो हो रहा है ये होटल बहुत ही 5-star लेवल में है, हमने पहली बार पटना के मीटअप में आया है। सबने यहाँ पर यूट्यूब का टीम स्पीकर मैडम के साथ फोटो ले रहे थे तो हमने भी यहाँ पर अपना एक फोटो क्लिक करवाया। मैम हेलो, एक कोई नहीं मैडम, एक मैडम तो यहाँ मुझसे हाथ मिलाने से कतरा रही थी पता ना क्यों। जी
पहले ही बताया है यूट्यूब क्रिएटर कलेक्टिव पटना इवेंट में महात्मा जी निकल है। तो दोस्तों अब चल रहे हैं हम लोग स्नैक्स टी वगैरह खाने नाश्ता, चलिए दिखाते हैं। यहाँ पर यूट्यूब ने बहुत सारे व्यवस्थाएँ किए हैं, देखिए यहाँ पर है। सुबह का 10:30 बज रहे थे, यूट्यूब की तरफ से सबसे पहला नाश्ता यही सब है, स्नैक्स वगैरह हैं और स्प्राइट कई कलर का है। और देखिए यहाँ कई तरह के कई प्रकार के खाने हैं, आप यहाँ देखिए भोजन है, जो आप खाना चाहते हैं आप अपने हिसाब से निकाल कर जितना चाहे उतना खा सकते हैं, कोई रोक ठोक यहाँ नहीं है। हमने यहाँ पर चिकन चिल्ली वगैरह खाए और यहाँ जिसको जो नाश्ता करना हुआ वो कर लिया और हमने भी कर लिया और यहाँ एक स्प्राइट करके पी लिया। और यहाँ यूट्यूब क्रिएटर जो भी दूर दूर से आए थे, जो नाश्ता करके नहीं आए थे, वो तो यहाँ गर्दा उड़ा दिया, अपनी भाषा में बोलो तो गर्दा उड़ा दी, मतलब खूब खाया, भर पेट नाश्ता किया इसके बाद। और मैं ही एक बंदा यूट्यूब इवेंट में था जो सबसे कम नाश्ता किया, क्योंकि गैस प्रॉब्लम की वजह से ऐसा नहीं करना है। माइक है कौन सा कंपनी कंपनी डीजे मोड है डीजी माइक डीजी मोड सर आप बताइए क्या नाम चैनल का है? मेरे चैनल का नाम अभी भाई 93 है और गेमिंग क्रिएटर। अच्छा मजा आ रहा है ना ये सब? बहुत मजा आ रहा है। दोस्तों एक ब्लॉगर हैं उनसे मिलते हैं, क्या नाम है चैनल का? इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि हेल्प ही बहुत बड़ी चीज होती है। चलिए और लोगों से मिलते हैं, थैंक यू। और मैं यहाँ नाश्ता इग्नोर करके आगे निकला तो यहाँ देखा कि यहाँ हॉल है जहाँ हम सभी को बैठने हैं और यहाँ इवेंट का मजे लेने हैं। यहाँ देखिए सभी लोग इधर भी खा रहे हैं और उधर भी खा रहे थे। ये मेरा एक दोस्त है, फ्रेंड है, यूट्यूब क्रिएटर, जो हमें कह रहे खाने के लिए, और आपको भी कोई बात नहीं है। सो दोस्तों सबसे पहले मैं यूट्यूब को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि यूट्यूब ने हमें पहली बार यूट्यूब क्रिएटर कलेक्टिव पटना मीटअप में बुलाया है, क्योंकि पहली बार आने पर कुछ माहौल ही कुछ अलग बनता है। सो यूट्यूब को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यहाँ पर देखिए मंच बनाए गए हैं और यहाँ पर बड़े बड़े जो क्रिएटर्स होंगे उन्हीं को यहाँ पर होस्टेड करने के लिए बुलाए गए हैं। और आप जो है अच्छे क्रिएटर बने, अच्छे क्रिएटर बनने से ही यूट्यूब आपको बुलाएंगे, कोई नहीं आप। और मैं यहाँ देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, वेलकम टू यूट्यूब क्रिएटर कलेक्टिव में हमें जो है वेलकम करा जाता है, थैंक यू कहा जाता है। सो इस वीडियो में देखते रहिए कौन लोग होस्ट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। अब यहाँ इस मंच पर इस इवेंट का होस्टेड मिंटुआ को एंट्री दिया जाता है, वो अपने अंदाज में एंट्री करते हैं। इसके बाद यहाँ दूसरा होस्टेड महात्मा जी टेक्निकल यूट्यूबर को भी एंट्री दिया जाता है, जो कि देखे यहाँ बॉडीगार्ड के साथ एंट्री कर रहे हैं। मेरा नाम अमरेश भारती है, यूट्यूब पे मेरा चैनल का नाम है महात्मा जी का। आज यूट्यूब का क्रिएटर कलेक्टिव इवेंट कहाँ पे हो रहा है? पटना। और ये पहली बार। सो थैंक यू सो मच यूट्यूब की उन्होंने भारत के इतने सारे स्टेट्स में से एक जगह बिहार को रिकॉग्नाइज किया और पटना में इवेंट किया और उस इवेंट को साकार अद्भुत आपके बिहार से बिंटुआ राइट जो बिहारी भाषा में वीडियोस बनाते हैं भोजपुरी में वीडियो बनाते हैं और मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। तो पीछे बैठे हुए हैं आगे बुलाइए। मेरी जब मैं सबसे पहले आया था यूट्यूब स्टार्ट करने यूट्यूब पे तो मैंने महात्मा जी की देखी थी वीडियो और हम लोग काफी टाइम से जुड़े हुए भी हैं तो मुझे कभी कभी डाउट भी होते हैं तो मैं इनसे पूछता हूँ और ये बताते भी हैं। और सबसे पहले मैंने यूट्यूब पे जैसे आप लोगों को पहले ही बताया कि मैंने एक गाने का वर्जन बनाया था अपने वर्जन और बहुत बूम कर गया था तो आगे फिर बढ़ गया। फिर फैमिलीज का कोटा खाली था बिहार में, मतलब फैमिलीज के लिए बहुत कम क्रिएटर थे जो वीडियो बनाते थे और
मेरा थोड़ा मैं थिएटर फील्ड से हूँ, एक्टिंग भी करता था, तो मुझे अपना टैलेंट भी दिखाना था कहीं। बट जहाँ मतलब पहले मौका था बॉलीवुड में चले जाओ या किसी फिल्म इंडस्ट्री में जाओ तभी आपको लोग पहचानेंगे। बट यूट्यूब जब से आया तब से प्लेटफॉर्म बड़ा हो गया, क्रिएटर्स बड़े हो गए, ज्यादा क्रिएटर्स को टैलेंट शो करने का मौका मिला, तो उसमें से मैं भी एक हूँ और मेरा टैलेंट आप लोगों ने देखा। तो आप लोग मुझे पहली बार आया कि यार जो ये बॉलीवुड जो सेलिब्रिटीज है लोग इनसे ही सेल्फी लेते थे, तो मैंने कहा जीवन में कुछ अलग किया जाए, कुछ ऐसा काम किया जाए कि लोग हमसे भी सेल्फी लेते। ऐसा वैसे हुआ नहीं था मेरे साथ, ऐसा शुरू में वीडियो बनाते वक्त तकरीबन ऐसी कभी घूमने की वीडियो बना रहा हूँ, कहीं चला गया वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन 3-4-5 महीने धक्के खाने के बाद समझ आया कि यार यूट्यूब एक प्रॉपर बिजनेस है, इसमें आपको एक पर्टिकुलर निश के ऊपर काम करना है। तो मैं मास्टर आदमी था, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स पढ़ाता था, इंटरनेट पे आके अकाउंट पढ़ाने लग गया, पर कोई पढ़े ही ना मुझसे, है ना, कोई पढ़े ही ना। तो मैंने कहा किस तरीके से किया जाए, तो मैंने ना बच्चों को गाइड करना शुरू कर दिया कि व्हाट टू डू आफ्टर 10-12 के बाद क्या करना है, है ना, साइंस स्ट्रीम में क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। तो ये वीडियोज मेरी थोड़ी चलने लग गई, तो मुझे समझ आ गया कि यार मैं मास्टर आदमी था ही, इंटरनेट पे करियर काउंसलिंग की वीडियो बना। तो एक दिन हमने मोटरसाइकिल से जा रहे थे और जनरली दिल्ली में छोले कुलचे की दुकान आपने देखा हर जगह मिल जाती है, तो रोक के और खाने लग गए, अचानक से एक लड़की आती है और वो ऐसा रिएक्ट करती है, वो कहती मैं आपकी गले लग लू क्या, मैं तुम जब तक बोलता हूँ लग चुकी थी सेल्फी अभी भी कर ली, तो मैं भी समझ नहीं पाया, मेरे दोस्त को समझ नहीं आता इसके साथ हो क्या रहा है, छोले कुलचे वाला समझा कि होगा कोई छोटा मोटा सुपरस्टार। लेकिन सच बताओ वो सीना उस दिन इतना चौड़ा हुआ मेरे लिए कि यार मैंने जिंदगी पे काम किया। तो ये मेरी शुरुआत थी जर्नी। थैंक यू। अमेजिंग 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 और ये कैच बॉक्स है जो मिंटुआ के हाथ में है, सवाल जवाब करने के लिए ये एक माइक है जिसमें आप बोल सकते हैं और अगला पर्सन सवाल कर सकता है। चलिए मैं ही पूछ लेता हूँ सवाल, राइट, जो कॉल फेंकेगा वो सवाल पूछेगा और जिसके पास गया उसे आंसर देना। तो सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आपका बिहार का फेवरेट यूट्यूबर कौन सा है? फेवरेट यूट्यूबर बिहार का और हमने पहले ही बता दिया गेम हो रहा है ये कैच बॉक्स के साथ, जो जवाब देगा वो जीतेगा और उसे इस तरह पुरस्कृत किया जाएगा। देखिए पुरस्कार मिला है
और एक और मैडम है जो इस गेम में भाग लिया और इन्होंने जीता है और इनका एंट्री इस तरह हुआ। अब यहाँ एंट्री होता है यूट्यूब का टीम, यूट्यूब का एक्सपर्ट कृष्णा महापात्र। देखो जितना ज्यादा प्यार आप इन्हें देंगे उतनी ज्यादा ये अपनी नॉलेज आपको देंगे। तो एक बार थैंक यू यार पटना, आपने तो मुझे इन्होंने बोला कि यहाँ के बताओ लोगों को यूट्यूब पर देखो, आप सबके सुन के यूट्यूब पर ऑफिशियल चैनल पर मुझे समझाओगे कि यूट्यूब पे क्या करना है। तो और दूसरी बात ये है कि पार्टनरशिप में शेयर गए हैं गुजरात यूट्यूब पर ऑफिशियल चैनल पर आते हैं मेरा पार्टनरशिप पर आते थे 50-60 लोग आते थे, यहां हमने देखा कि 600 लोगों ने साइन अप किया है। तो आपके लिए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। तो मेरा नाम कृष्णा है, मैं यूट्यूब पे 5-6 साल से काम कर रहा हूँ और मुझे ये जॉब में मुझे इतनी खुशी मिलती है क्योंकि मैं आप जैसे क्रिएटर्स के साथ हर दिन मिलता हूँ और उनको बताता हूँ कि वो अपने चैनल कैसे ग्रो करे, कैसे मोनेटाइज करे। तो मैंने थोड़े टिप्स डाले हैं यहाँ पे जो मुझे लगता है आप सबको हेल्प करेंगे कि आप कैसे अपने चैनल के बारे में सोचे, कैसे अपने चैनल को अपना बिजनेस बनाए ताकि आप सब यू नो कमाएं यूट्यूब से अच्छी तरह से। मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है तो अगर कुछ चाहिए कि मैं फिर से आपको बताऊं तो हाथ ऊपर कर ले और मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। और लास्ट बात है कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज उनको जनरल रखें, मैं आपके हर एक एक चैनल के बारे में नहीं बता पाऊंगा यहाँ खड़े होकर, बट मैं हूँ यहाँ पे तो खाते समय या मेरे सेशन के बाद आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं समझाता हूँ कि ये जो कॉन्टेक्ट मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ उसमें क्या है कंट्रोल इसी का। पहली बात है ये गाइड है कि आप सोचे यूट्यूब पे अगर कुछ नया कैसे करना है, यूट्यूब पे कुछ अलग कैसे करना है, वो कैसे बने। दूसरी बात है कि आपके पास आइडिया तो हजार है पर प्रॉब्लम होता है कि आप सब हजार आइडिया एक साथ तो कर नहीं सकते हैं, तो आप सोचे कि कैसे उन आइडियो को थोड़ा इम्प्रूव करें, थोड़ा परफेक्ट करें ताकि वो कॉन्टेंट आपके ऑडियंस के साथ चले। और लास्ट बात है कि ये कोई चेकलिस्ट नहीं है कि अगर मैंने ये 10 चीज किए तो मेरा चैनल ग्रो होगा, थोड़ा आपका भी क्रिएटिविटी आता है। और यूट्यूब पे कंटेंट बनाना साइंस नहीं है, थोड़ा टेक्निकलिटी समझ पाके इम्प्रूव करेंगे बट आपका क्रिएटिविटी और आपकी ऑडियंस कैसे आपसे रिलेट करे वो सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है। ये है यूट्यूब का पार्टनरशिप टीम कृष्णा महाताने, इनका काम हम सभी क्रिएटर को मदद पहुंचाना, सपोर्ट करना, चैनल ग्रो कैसे करना वगैरह वगैरह यूट्यूब के बारे में बताना, इनकी यही काम है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो इवेंट के बाद भी इनसे समझ सकते हैं, बात कर सकते हैं। कि वो आके आपके साथ सेल्फी ले, वो देखे कि आप कौन से इवेंट पे आ रहे हो, वो आपके साथ आए। और लास्ट है कि आप खुद भी खुश होना चाहिए, सॉरी आप रिकॉर्ड मत कीजिए ये सेशन, हम आपको एक ईमेल में ये सब भेज देंगे इवेंट के बाद। और आपको ये कास्ट यूज करना है तो सर बताइए। ये एक समझिए गेम है, इसमें आपको अपना क्रिएटिविटी दिखाना होता है। ये ऐसे खुलेगा ओके, आपको यहाँ
पे या यहाँ पे नहीं डालना स्लाइम को, आपको इसको खोलना है बकायदा और थोड़ा थोड़ा स्लाइम प्लेस करना है। तो हमने भी इसे लेकर के अपना क्रिएटिविटी दिखाना चालू कर दिया, लेकिन उतना हमसे खास नहीं बना क्योंकि यहाँ इतनी भीड़ थी कि हम अच्छे तरह से नहीं बना पाए। देखिए मेरा किस प्रकार का बना है, इसमें कोई भी डिजाइन, कोई भी अपना क्रिएटिविटी नहीं दिख रहा होगा। टाइम मिलता तो मैं एक यूनिक चीज़ ज़रूर बनाता, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। फिर एक बार इवेंट के दौरान लास्ट में लंच करने को कहा जाता है, आप लंच कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने जितना भी खाया बहुत खाया, उतना तो खाया नहीं, और जो भी यहाँ व्यवस्था किए गए हैं खाने पीने के वो सभी अच्छे हैं। सो दोस्तों YouTube क्रिएटर कलेक्टिव पटना में जो मीटअप था वो कम्प्लीट हो गए हैं। कम्प्लीट हो जाने के बाद हमें ये देखिए YouTube की तरफ से मिला है, इस बैग में है कुछ गिफ्ट हैं, चलिए दिखाते हैं आपको इसको अनबॉक्सिंग करके। तो मैं आ गया अब अपने घर, आप यहाँ देखिए मैं यहाँ पर इस कैरी बैग को रख देता हूँ। रखने के बाद थोड़ा पानी वगैरह पी करके इसे अनबॉक्सिंग करता हूँ। अनबॉक्सिंग करने पर आप देखिएगा सबसे पहले यहाँ दिखेगा एक अच्छा सा बोतल, यहाँ देखिए, और इस बोतल को देख करके हमें ऐसा लगा कि मैं इस बोतल से पानी वगैरह पी सकता हूँ, लेकिन बैंक में देखा तो पता चला लिखा हुआ है हैंड वॉश ओनली, इसका मतलब सिर्फ हाथ धोने के लिए है। कोई बात नहीं, और भी गिफ्ट हमारे को मिला है, ये देखिए हमारी क्रिएटिविटी है जो हमने वहाँ पर करा था, जो बनाया था यहाँ बिगड़ चुका है, कलरफुल नहीं है, अब यहाँ ब्लैक हो चुका है। ये एक स्टैंड है जो इसे रखा जाएगा, जो हमने अपने क्रिएटिविटी को किया था इस पर हम रख कर दिखाते हैं, इस तरह रख देते हैं, इस तरह सजाने के लिए ये दिया गया है, तो आप अपने स्टूडियो में इस तरह रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ निकलता है जो कि यह एक वेलकम कार्ड की ही तरह है। आप यहाँ देखिए लिख रहा है डियर क्रिएटर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द यूट्यूब क्रिएटर कलेक्टिव। आप यहाँ देखिए YouTube थैंक यू करता है। इसके बाद यहाँ देखिए इस बॉक्स में जो आप अपने वीडियो में बार बार बोलते हो लाइक शेयर सब्सक्राइब, वही YouTube आपको दे दिया है, अब आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये लाइट है LED लाइट में, ये फिट कर दीजिए, जो आपको स्टैंड दिया हुआ है उसमें फिट करके यूज कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ देखिए हमने यहाँ पर फिट कर दिया है, इसमें लाइट है, जब आपका स्टूडियो अंधेरा रहेगा तो अच्छे से दिखेगा। आप यहाँ देखिए अभी उजाला है जिसकी वजह से आपको यहाँ थोड़ा सा दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ जल रहा है, यह आप अपने स्टूडियो में लगा सकते हैं। लास्ट में मैं YouTube को थैंक यू करना चाहता हूँ मुझे इतने सारे गिफ्ट देने के लिए।